युवराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही युवराज जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। हरियाणा के करमवीर डेयरी फार्म का बुल युवराज एक बार फिर अखिल भारतीय पशु मेले में विजेता घोषित किया गया है। ये मेला सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवाया गया था। युवराज की तरह ही इस मेले में और भी ऐसे कई बुल आए थे जिनकी कीमत लाखों या फिर करोड़ों रुपए में है। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, अधिष्ठाता पशु चिकित्सा महाविद्यालय मेरठ। ये जो अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने उत्तर प्रदेश के पशुपालक भाइयों को बताएं कि अच्छी नस्लें कैसे होती हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में मुर्रा नस्ल और हरियाणा नस्ल के साहिवाल नस्ल के पशुओं का अच्छा पशुपालन है। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य अपने उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को जागृत करना है कि वो किस तरीके से अच्छे नस्लों के पशुओं का पालन कर अधिक आय कमा सकते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ज़मीन की जोत है वो बहुत छोटी है और यहाँ की आजीविका पशुपालन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे पशुपालक भाई अच्छी नस्ल का पशुपालन करें। जैसे मुर्रा नस्ल का क्या पहचान है, ये हमारे पशुपालकों को पता लगे। हर एक नस्लों के अपने एक विशेष योग्यता, अपने विशेष लक्षण हैं। उन लक्षणों को दर्शाने के लिए, उन लक्षणों को अपने पशुपालकों को बताने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है। जैसे अभी हमारे एक पशुपालक अपना अच्छा बुल लेके आए थे, लेकिन बुल का क्या था, वर्षण घूमे हुए थे। अगर वो देखने में अच्छा था, लेकिन टेक्निकली वो बुल ब्रीडिंग के पर्पज का नहीं था। अगर उस बुल की संतान आती है, मादा संतान आती है, तो उनकी कट्टियाँ जितनी भी बुलाएंगी, उनका अडर, उनका आयन तिरछा हो जाएगा। इसलिए इन्हीं सभी टेक्निकल पॉइंट से अपने पशुपालक भाइयों को अवगत कराने के लिए कि किस तरीके से वे अच्छे नस्ल के पशुपालन करें और किस तरीके से अच्छा पशु प्रबंधन करें ताकि उनकी आय पशुपालन से बढ़े, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। हमारे यहाँ जो चार राज्यों से पशुपालक अपने पशु लेकर आए हैं, हरियाणा से पशुपालक आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश के आए हैं, और इसमें मुख्य तौर पे मुर्रा नस्ल के नर और मादा, मुर्रा नस्ल के सांड और भैंसों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। उसी के साथ साथ जो भारतीय नस्ल की गाय गिर और साहिवाल, इसके भी पशु आए हैं। हरियाणा से हरियाणा नस्ल के गाय और सांड भी इस पशु प्रदर्शनी में आए हैं और लोगों ने उनकी नस्ल कैसे होती है ये जानकारी प्राप्त की है। जैसे मुर्रा नस्ल का रंग बिल्कुल काला होता है, आगे से पतली और पीछे से हैवी होता है, भारी होती है। दूसरा, उसके थन जो होते हैं काफ़ी दूरी पर होते हैं और पूरा रंग, पूरे शरीर का रंग ब्लैक होता है। अगर पूंछ 5 इंच से ज़्यादा सफ़ेद है तो वो मुर्रा कैटेगरी में नहीं आती। माथे पे फूल नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से साहिवाल नस्ल के अपने विशेष लक्षण हैं, जो उसका आयन है पूर्ण विकसित होता है और रंग जो है भूरे धूसर रंग जो होता है, भूरा और धूसर होता है और मध्यम आकार का पशु होता है। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।